मित्रों नमस्कार। साहित्य आज तक कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के चौथे भाग दश द्वार से सोपान तक खंड न सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी शुरुआत में आत्मकथाकार द्वारा लिखी गई भूमिका, जिसमें वे अपने पाठकों से संवादरत हुए हैं, वह भी काफी चर्चित है। हरिवंश अपने इस चौथे भाग में, अपनी आत्मकथा के इस चौथे भाग में, दश द्वार से सोपान तक में अपने पाठकों से क्या कहते हैं, आइए हम इसे यहाँ साथ साथ पढ़ते, सुनते और गुनते हैं अपने पाठकों से। यह दश द्वार क्या है, यह सोपान क्या है, तो शीर्षक ने आपको जिज्ञासा जगाई। शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते होंगे, दश द्वार जिसमें दस दरवाजे हों, सोपान सीढ़ी, पर इनके ऊपर दोनों ओर लगे उल्टे सीधे कौमाओं ने आभास दिया होगा कि इनसे मैं किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत कर रहा हूं। निश्चय दश द्वार और सोपान मेरे द्वारा दिए गए दो घरों के नाम हैं। इलाहाबाद में क्लाइव रोड पर मैं जिस किराए के मकान में रहता था, उसे मैंने दश द्वार नाम दिया था। शायद आप यह भी जानना चाहें क्यों। मकान बहुत रोशन और हवादार था, मकान बहुत रोशन और हवादार था। उसमें रहते हुए एक दिन अचानक मेरा ध्यान इस ओर गया कि उसके हर कमरे में दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों को मिलाकर 10-10 खुली जगहें हैं, जिनसे रोशनी और हवा आती है। क्या मकान बनवाने वाले ने जानबूझकर ऐसी व्यवस्था कराई है? बहुत संभव है। ब्रजमोहन व्यास साहित्यिक सुरुचि के संस्कारवान नागरिक हैं। क्या कमरे बनवाते हुए कबीर के इस दोहे को वे घर में भी मूर्तिमान देखना चाहते थे? दस द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहवे को अचरज है, जाए तो अचरज कौन। दस द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहवे को अचरज है, जाए तो अचरज कौन। मौत हमें प्रायः अचरज में डाल देती है। कबीर कहते हैं, अचरज करने की चीज जिंदगी है। शरीर पिंजर दस दरवाजों का है। गीता और श्वेता श्वतर उपनिषद के नव द्वार पूरे को उन्होंने दस द्वारे का बना दिया है।
गीता और श्वेता श्वतर उपनिषद के नव द्वार पूरे को उन्होंने 10 द्वारे का बना दिया है। संभवतः अनुप्रास मोह से अथवा नाभिकुंड या ब्रह्मांड्र को 10वां खुला स्थान मानकर, वैसे दोनों को खुला स्थान मानकर कठोपनिषद की कल्पना पूर्वमेकादश द्वारम की भी है। वैसे दोनों को खुला स्थान मानकर कठोपनिषद की कल्पना पूर्वमेकादश द्वारम की भी है। उसमें प्राण रूप पवन पंछी रहता है यह आश्चर्य है। निकल जाना स्वाभाविक है। एक दिन व्यास जी से कहीं मिलने पर मैंने अपनी सूझ उन्हें बताई। बोले, खूब पकड़ा। मैंने कहा, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि इस 10 द्वार पिंजर में एक दिन कोई गीत विहंग सचमुच आकर बसेरा लेगा? घर को आप मानेंगे, मैंने 10 द्वार नाम सटीक दिया था। प्रसंगवश बता दूं कि व्यास जी ने अपनी पत्नी ललिता के नाम पर इसको पहले ललिताश्रम नाम दिया था। और सोपान 7वें दशक में जब नई दिल्ली का विस्तार हो रहा था, उस समय एक सहकारी समिति लेखकों और पत्रकारों की बनी और उसने एक कॉलोनी अपने नाम कराई, जिसे बाद में गुलमोहर पार्क कहा गया। इस समिति का सदस्य होने के कारण नाते एक प्लॉट हमें भी मिला। बरसों यह प्लॉट खाली पड़ा रहा। जब बेटों ने उस पर मकान बनवाया तो मुझसे कहा, इसका नामकरण करिए, मेरे दिए हुए नाम उन्हें पसंद आते हैं और वे उन्हें मान देते हैं। उनके बेटों बेटियों के नाम मेरे द्वारा दिए हुए हैं। बंबई के घर का नाम प्रतीक्षा मेरा ही दिया हुआ है। बंबई में ही जो दूसरा मकान रूप ले रहा है उसको मैं मनसा कहना चाहूँगा, अपने वंश के एक महनीय पुरखा के नाम पर। गुलमोहर पार्क के मकान को मैंने सोपान नाम दिया है। यह 3 मंजिला है और 3 मंजिलों को एक लंबी सीढ़ी जोड़ती है जो नीचे से ऊपर तक एक साथ देखी जा सकती है। घर में प्रवेश करने पर यह सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करती है। सोपान शब्द मेरी साहित्यिक कृतियों से भी जुड़ा हुआ है। अपनी सर्वश्रेष्ठ कविताओं का जो पहला संकलन मैंने प्रकाशित कराया था उसे मैंने सोपान कहा। 10 वर्ष बाद जब उसमें इस अवधि की और उसी कोटि की कविताएं जोड़ी गईं तो मैंने उसका नाम अभिनव सोपान रखा। कल्पना यह थी कि जैसे इन कविताओं में मेरे कवि को उठान का क्रम सीढ़ी दर सीढ़ी, संग्रह दर संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा। मकान को सोपान नाम देकर मानो मैं यह कामना करता हूँ कि उसमें बसने वाला बच्चन परिवार क्रम क्रम से अभ्युदय अभ्युत्थान की ओर अग्रसर हो, पीढ़ी दर पीढ़ी की साधना आवश्यक हो। नामकरण की सटीकता तो भविष्य ही सिद्ध कर सकेगा। इस नाम से एक और सूक्ष्म संकेत मैं कर रहा हूँ, विशेषकर अपने लिए, जिसे कल्पना प्रवण लोग समझेंगे।
जनुसुरपुर सोपान सुहाई, जनुसुरपुर सोपान सुहाई। दिल्ली के बुलावे पर दश द्वार से मैं फरवरी 1956 में निकला, दिल्ली के बुलावे पर मैं दश द्वार से फरवरी 1956 में निकला। 10 बरस विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के पद पर रहा, 6 वर्ष राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में, 2 वर्ष बंबई में बड़े बेटे अमिताभ और छोटे बेटे अजिताभ के साथ, 4 वर्ष फिर दिल्ली में, 4 वर्ष फिर बंबई में अमिताभ के साथ रहा। और एक बार फिर दिल्ली के बुलावे पर ही फरवरी 1983 में मैंने सोपान के अभिनव भवन में प्रवेश किया। इन 27 वर्षों में कितना पानी मेरी सुधियों को सरिता में, इन 27 वर्षों में कितना पानी मेरी सुधियों की सरिता में बह चुका है। निश्चय ही उसके चेतन और अवचेतन तटों पर अपने बहुविधि प्रवाह की कितनी कितनी निशानियां छोड़ते हुए, कहीं चटक, कहीं फीकी, कहीं चमकीली, कहीं धुंधली, कहीं साफ सुथरी, कहीं धूमिल, बेटों बहुओं पोते पोतियों के अपने भरे पूरे परिवार से दूर, बहुत दूर, अकेले एकांत में सोपान के एक कक्ष में बैठे हुए अक्सर बीते दिनों की ये निशानियां बहती तिरती मेरे दिमाग में आ उभरी हैं, और मैं उनके सहारे कल्पना की उस यात्रा पर निकल पड़ा हूँ जो अभी कुछ ही समय पहले कितना स्थूल कितनी जो अभी कुछ समय पहले कितनी स्थूल कितनी वास्तविक कितनी सत्य थी। प्रस्तुत पुस्तक इसी काल्पनिक यात्रा को शब्द सचित्र और अर्थ जीवंत करने का मेरा प्रयास है। इस यात्रा में आप मेरे सहयात्री होकर चलना चाहेंगे? इस यात्रा में आप मेरे सहयात्री होकर चलना चाहेंगे? आपको आमंत्रण है, कभी बताएंगे कि मेरे साथ सफर करना आपको कैसा लगा? हरिवंश राय बच्चन, सोपान, B8, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली 49। धन्यवाद मित्रों।